हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं आप लोगों को दसम पाठ में क्या है, मधुरा अश्लोका। मधुरा मीन्स क्या होता है, मधुर। अश्लोका मीन्स क्या होता है, अश्लोक। ये मधुर अश्लोक के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है। अभी आपका 9 चैप्टर कंप्लीट की हूँ बेटा, क्वेश्चन आंसर सब। अब आप लोगों में मधुरा अश्लोका चैप्टर दसम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ संस्कृत में। तो चलिए देखते हैं मधुरा अश्लोका में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो अश्लोक क्या है, क्या कह रहे हैं बेटा। कह रहे आचार परमो धर्म, आचार परमं तप, आचार परमं ज्ञानं, आचारात किंग न सिद्ध्यति, सुंदर अपि सुशील अपि, कुलीन अपि महाधन, न शोभते बिना विद्यां, विद्या सर्वस्य भूषणम्। अब आप लोग तो पहले एक बार मैं पूरा रीडिंग कर देती हूँ बेटा, ठीक है। उसके बाद है विदेशेषु धनं विद्या, व्यसनेषु धनं मति, परलोके धनं धर्म, शीलं सर्वत्र है वै धनम, आकाशात पतितं तोयं सागरं प्रति गच्छति। अभी मैं आपको रीडिंग करवा रही थी बेटा, तो यहाँ क्या है, विदेशेषु धनं विद्या, व्यसनेषु धनं मति, परलोके धनं धर्म, शीलं सर्वत्र वै धनम, आकाशात पतितं तोय सागरं प्रति गच्छति, सर्वदेव नमस्कार केशव प्रति गच्छति, कराग्रे बसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ये जो बाबू मधुर अश्लोक है बेटा, उसमें ये कह रहा है आचार परमो धर्म, आचार परमं तप। इसमें क्या कह रहा है, आचरण जो है बेटा, आचार मीन्स क्या होता है, आचरण। आचरण जो है वही हम लोगों का परम धर्म है, और आचरण ही क्या है बेटा, परम तप है। आचरण आचार परम ज्ञानम, आचरात किंग न सिद्ध्यन्ति। और क्या कह रहे हैं बेटा, आचरण जो है वो परम धर्म है, आचरण परम तप है, आचरण परम ज्ञान होता है। अच्छे आचरण से क्या सिद्ध नहीं होता है, अच्छे आचरण से हर चीज सिद्ध होता है बेटा, वही कह रहा है। उसके बाद है दूसरा नंबर श्लोक, सुंदर अपि सुशील अपि कुलीन अपि महाधन, न शोभते बिना विद्या, विद्या सर्वस्य भूषणम। कह रहे हैं बेटा, सुंदर होते हुए, सुशील होते हुए, अच्छे कुल में उत्पन्न होते हुए और महाधनी होते हुए भी यदि विद्या से हीन है तो शोभा नहीं होता है, शोभा नहीं हो पाता है। विद्या सबका आभूषण है। अब एक बात बोलिए बेटा, आपके पास आप सुंदर भी हो, सुशील भी हो, धनी भी हो, हर चीज है आपके पास, लेकिन आप विद्याहीन है। यदि आपके पास विद्या नहीं है बेटा, तो आप क्या हो, आप सबसे गरीब इंसान हो, क्योंकि विद्या ही हमारा क्या है, सबसे बड़ा गहना है। विद्या ही हमारा सबसे बड़ा आभूषण है। यदि हमारे पास विद्या है तो हम वो हर चीज प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। अगर हमारे पास विद्या नहीं है बेटा, तो ये धन संपत्ति क्षणिक है। तो यही कह रहा है बेटा, सुंदर अपि सुशील अपि कुलीन अपि महाधन। मतलब सुंदर भी है, सुशील भी है, धनी भी है, सब कुछ रहते हुए भी न शोभते बिना विद्या। यदि हमारे पास विद्या नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। विद्या सर्वस्व भूषणम, विद्या जो है वही हमारा गहना है, वही हमारा सब कुछ है। उसके बाद है विदेशेषु धनं विद्या, व्यसनेषु धनं मति, परलोके धनं धर्म, शीलं सर्वत्र वै धनम। और इसमें क्या कह रहे हैं बेटा, विदेश में ज्ञान धन है, व्यसनों में बुद्धि धन है, परलोक में धर्म धन है, और क्या है, शीलता सभी जगह ही धन है। क्या कह रहे हैं बेटा, विदेश में क्या है, विद्या जो है हमारा वही धन है, व्यसन मीन्स क्या होता है, व्यसन में बुद्धि ही धन है, मति, मति मीन्स होता है बुद्धि, बुद्धि धन है, परलोक में धर्म धन है, धर्म ही धन है हमारा, और शीलं सर्वत्र वै धनम। और शील मीन्स क्या होता है बेटा, शीलं का मतलब होता है शीलता, जो हमारी शालीनता होती है, वही क्या है, वो वह शीलता सभी जगह ही धन है।
आकसात पतितं तोयं सागरं प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कार केशव प्रति गच्छति। उसके बाद कह रहे हैं बेटा, आकाश से गिरा हुआ पानी सागर की ओर जाता है। क्या है? आकसात पतितं, पतितं मीन्स होता है गिरा हुआ, तोयं सागरं पति गच्छति, आकाश से जो पानी गिरा हुआ पानी है बेटा वो कहाँ जाता है? सागर की ओर जाता है। सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति, और सभी देवी सभी देवों को किया गया नमस्कार कृष्ण कृष्ण के पास जाता है। किसके पास जाते? केशवं प्रति गच्छति, केशव के पास जाते। केशव जो है वो किनका नाम है बेटा? कृष्ण जी की। केशव जो है वो किनका नाम है बेटा? कृष्ण जी की। तो वही कह रहे हैं आकाशात पतितं तोयं सागरं प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। कह रहे आकाश से जो भी बूंदे गिरते हैं वो कहाँ जाते हैं? सागर में जाते हैं। और सब क्या है? सर्वदेव नमस्कार। और क्या है बेटा? सभी देवों को किया गया नमस्कार किनके पास जाता है? श्री कृष्ण के पास जाता है। कराग्रे बसती लक्ष्मी कर मध्य सरोसती कर मूले च गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे में क्या होता है? हाथ के अग्रभाग में, हाथ के जो अग्रभाग अगला भाग होता है बेटा उसमें लक्ष्मी जी वास करते हैं। कर मध्य सरोसती, हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है, हाथ के मध्य भाग में, कर मध्य मध्य में होता है बीच, मध्य भाग में क्या होता है? सरोसती जी वास करते हैं बेटा। और हाथ के मूल में विष्णु, कर मूले गोविंद, और हाथ के जो क्या है बेटा? कराग्रे बसती लक्ष्मी, हाथ के जो है बेटा अग्रभाग में लक्ष्मी जी वास करते हैं और बीच में जो है सरस्वती जी वास करते हैं, हाथ के मूल में विष्णु जी वास करते हैं। प्रभाते कर, इसीलिए कहते हैं जब हम सुबह उठते हैं बेटा तो प्रातः काल हाथ का दर्शन करके हमें उठना चाहिए। लोग कहते हैं ना जो हमें अपने हाथों का दर्शन करके उठना चाहिए, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हाथ में सरस्वती लक्ष्मी विष्णु भगवान वास करते हैं। तो वही कह रहा है कराग्रे बसती लक्ष्मी, हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी, कर मध्य सरस्वती बीच में सरस्वती जी, और कर मूले च गोविंद, और हाथ के मूल भाग में क्या है? विष्णु जी वास करते हैं। इसलिए प्रभाते कर दर्शनम, इसलिए सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमें किनका, हमें अपने हाथों को देखकर उठना चाहिए। तो इस श्लोक में आप लोग को मैं समझा दी हूँ एक एक करके। यदि आप अब एक बार मैं फिर से रीडिंग करके पूरा के साथ में एक बार आपको अर्थ बता देती हूँ। कह रहा है आचार परमो धर्म आचार परमंग तप आचार परमं ज्ञानं आचारात किंग न सिद्ध्यति सुंदर अपि सुशील अपि कुलीन अपि महाधन न शोभते बिना विद्या विद्या सर्वस्य भूषणम। ठीक है, इसमें क्या कह रहे बेटा? आचार परम धर्म है, आचरण ही परम धर्म है, आचरण ही हमारा परम तपस्या है, आचरण ही हमारा परम ज्ञान है, आचरण से क्या क्या नहीं सिद्ध हो सकता है। सुंदर अपि सुशील अपि कुलीन अपि महाधन न शोभते बिना विद्या विद्या सर्वस्य भूषणम। कह रहा है यदि आप सुंदर भी हो सुशील भी हो आपके पास सब धन है लेकिन आप विद्याहीन हो तो आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि विद्या ही सबसे बड़ा गहना है, आभूषण है। विदेशेषु धनं विद्या वैनेषु धनं मति परलोके धनं धर्म शील सर्वत्र है धनं वैधनम। कह रहा है विदेश में धन विद्या ही धन है, वैसन के लिए बुद्धि ही धन है, परलोक में धर्म ही धन है, और शीलता जो है वो हर जगह ही धर्म वो धन है। इसके बाद ये लास्ट वाला है आकाशात पतितं तोयं सागरं प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कार केशं प्रति गच्छति। कह रहे हैं बेटा आकाश से जो भी बूंदे गिरते हैं वो कहाँ जाते हैं? सागर में जाते हैं, और सब देवों को नमस्कार करने से कहाँ जाते हैं? ये केशव कृष्ण जी के पास जाते हैं। कराग्रे बसती लक्ष्मी, हाथ के करभाग में क्या है? लक्ष्मी जी वास करते हैं, मध्य में सरस्वती जी वास करते हैं, और हाथ के जो
मूल भाग है बेटा उसमें विष्णु जी वास करते हैं, इसीलिए जब हम सुबह सुबह सो के उठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथों का दर्शन करके उठना चाहिए, क्योंकि इससे हमें लक्ष्मी सरस्वती और विष्णु जी के दर्शन होते हैं। हम लोगों को तो समझ नहीं होती है, लेकिन इस श्लोक में हमें यह भी एक ज्ञान की बात मिली है, जो हमारे हाथ में लक्ष्मी सरस्वती और विष्णु तीनों ही वास करते हैं। तो चलिए बेटा आप लोग इसे रीड, आप लोग इस चैप्टर को रीड अच्छा से कीजिएगा और इसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी इसका जो अभ्यास में क्वेश्चन आंसर सब है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ओके बेटा, थैंक यू।